मशहूर पार्श्व गायक पद्मश्री अनूप जलोटा के हाथों नादवेद संगीत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अपने मार्गदर्शन में अनूप जलोटा ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। स्नेहांकित प्रस्तुत नादवेद संगीत विद्यालय का उद्घाटन पद्मश्री अनूप जलोटा इनके हाथों फीता काट कर किया गया। चंद्रपुर में स्नेहांकित संस्था पिछले 70 वर्षों से साहित्य क्षेत्र में कार्यरत है। नादवेद संगीत विद्यालय यह संस्था चंद्रपुर में संगीत का शिक्षण देने वाली संस्था है। यह संस्था गंधर्व विद्यालय से संलग्नित है। अब नादवेद विद्यालय स्नेहांकित संस्था की ओर से चलाया जाएगा। इस संगीत विद्यालय में अल्प उत्पन्न के पार्श्वभूमि के बच्चे संगीत शिक्षा के लिए पूरी तरह से सुसज्ज संगीत क्लासरूम, उच्च शिक्षित संगीत शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे और उनके संगीत कौशल्य का विकास करने के लिए वह सहायता करेंगे। इसमें पद्मश्री अनूप जलोटा ने संगीत विद्यालय को शुभकामनाएं और उपस्थित विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी किया। संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए परम आवश्यक है कि वो शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत सीखने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको शास्त्रीय संगीत का गायक बनना है। शास्त्रीय संगीत सीख के आप फिल्म के गाने भी गा सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, आप गजल गा सकते हैं, आप फोक म्यूजिक गा सकते हैं, पॉप सॉन्ग गा सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं, आप रैप गा सकते हैं। क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखने का अर्थ ये है कि आप अपने को एक बहुत अच्छा मटीरियल बना रहे हैं, आप अपने को एक शिक्षित संगीतकार बना रहे हैं। एक बार आप शिक्षित हो गए तो फिर आप कुछ भी गाइए वो अच्छा लगेगा। जैसे अगर एक अच्छा कपड़ा बनाया जाए, जैसे मैंने ये कुर्ता पहना, अगर ये कुर्ते का कपड़ा एक अच्छा मटेरियल है, अच्छी तरह बनाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसको इस चीज़ की समझ है, तो इसका कुर्ता भी बन जाएगा, शर्ट भी बन जाएगी, धोती भी बन जाएगी, कुछ भी इससे बना लेंगे वो चलेगा क्योंकि अच्छा मटीरियल है। लेकिन अगर वो मटीरियल अच्छा नहीं है, कमजोर है, तो जो कुछ बनाएंगे फट जाएगा। इसी तरह अगर आपने शास्त्रीय संगीत सीख लिया तो आप अच्छा मटीरियल होगा, फिर आप कुछ भी बनाइए उसमें, गाइए, गीत गाइए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने को अच्छा मटीरियल बनाए, सशक्त संगीतकार आप अपने बनाए, ऐसा मेरा समझना है। तो यही सबको मैं सलाह देना चाहता हूँ। बाकी यहाँ सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।